नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप लोगों के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर हाजिर हुई हूं। बहुत से लोग रामायण तो देखे ही हैं और हमेशा रामायण के कुछ ऐसे अंश हैं जो लोगों के दिमाग में बसे रहते हैं। उनमें से एक है माता सीता का अग्नि परीक्षा। लेकिन आप क्या सच में जानते हैं कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं, और क्या राम ने सच में माता सीता से अग्नि परीक्षा ली थी? वेल, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो अमूमन लोगों को नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीता की अग्नि परीक्षा में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो में हम इस पर गहराई से दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, सीता की अग्नि परीक्षा और गृह त्याग एक विवादित प्रसंग है। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी? क्या रावण सीता की छाया ले गया था, या असल में सीता का श्री राम ने अग्निदेव को सौंप दिया था? मतलब कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आज हम आपको उन सवालों से, उनके जवाबों से रूबरू कराते हैं। ये कहते हैं कि अयोध्या जाने के बाद माता सीता को समाज की बुराइयों से बचने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। ये घटना अयोध्या में घटित हुई थी। यह भी कहा जाता है कि प्रभु राम ने रावण हरण के पूर्व ही सीता को अग्नि को सौंप दिया था। रावण जिस सीता का हरण करके ले गया, वह सीता माता की छाया थी। लंका विजय के बाद राम ने अग्नि से अपनी असली सीता मान ली थी। यह घटना लंका में घटित हुई थी। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए, तो उनके राज्य अभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने गलानी, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने ये कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है, तथा रावण जिस शरीर को उठा ले गया था वह अवश्य था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करे। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र है। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते थे और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं? सीता जब गर्भवती थी, तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आए। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि राम ने कभी सीता का परित्याग किया ही नहीं। जिस सीता के लिए राम एक पल भी रह नहीं सकते थे और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वह किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर कैसे छोड़ सकते थे? राम को महान आदर्श, चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दकियानों से सोच में जी रहा हो। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वे चले जाते। अब सवाल ये उठता है कि रामायण और रामचरितमानस में तो ऐसा ही लिखा है कि राम ने सीता को कलंक से बचने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं, जिसमें सीता परित्याग की बात कही गई है।
दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म के अभ्युदय काल में नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथों के साथ ही इसी तरह का हेरफेर किया गया। इसी के चलते रामायण में भी कई विसंगतियों जोड़ दी गई हैं। बाद में इन विसंगतियों का ही अनुसरण किया गया। कालिदास भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचयिता ने भी भ्रमित होकर उत्तर कांड को लवकुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह राम की बदनामी का विस्तार हुआ। दोस्तों आप सबको बता दें, राम से जुड़ी सारी कथाएं उत्तरकांड में उल्लेखित हैं, जिसके सच होने में संदेह है, क्योंकि ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि ये कथाएं बौद्ध काल में जोड़ी गई। अंत में ये कहा जाएगा कि इस पर अभी कोई निर्णय और एकमत नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ये जरूर कहा जा सकता है कि राम और सीता, इन दोनों के बीच का जो प्यार था वो अब तक बरकरार रहा, क्योंकि राम ने कभी भी सीता से अग्नि परीक्षा के लिए नहीं कहा। स्वयं सीता ने ही अग्नि परीक्षा दिया था ताकि उनके पति राम का सम्मान समाज में बना रहे। दोस्तों आशा करती हूँ आज के इस खास वीडियो में आपको सीता के अग्नि परीक्षा से जुड़ी कई सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी। अगर आपको आज की हमारी दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा।